इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। और अब हम अपने सॉकेट और बल्ब को चेक कर ले, ठीक है। तो बल्ब के लिए हम अब देख सकते हैं, ये वाला हमारा बल्ब जल रहा है, ये भी बल्ब जल रहा है, यानी कि दोनों बल्ब कनेक्शन सही है। अब दोनों सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों? जैसा कि आप देख रही है, हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें चार स्विच, दो फाइव पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम कनेक्शन करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि चार स्विच, दो फाइव पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज में कैसे कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आप किस तरह के बोर्ड में कनेक्शन जानना चाहते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये भी कमेंट करेंगे कि इसमें, यानी इस बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे होगा, तो वो भी वीडियो हम बना देंगे। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी कनेक्शन करते हैं इसमें, और नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने इसक्रू पहले इसमें निकाल रखा है, ठीक है। तो ये रहा इसका बैक साइड, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फेज कनेक्शन करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद अर्थिंग का, ठीक है। तो जो हमारा फेज होगा, सबसे पहले आएगा फ्यूज में, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूज है, तो सबसे पहले हमारा फेज आएगा फ्यूज में, उसके बाद दूसरा फेज यहाँ से जाएगा अपने इंडिकेटर में, ठीक है। तो फेज यहाँ से जाएगा इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है। तो फेज यहाँ से पहुंचेगा और न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फेज कनेक्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन करते हैं फेज का, उसके बाद हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर सभी जगह पर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फ्यूज ना होता, इंडिकेटर ना होता, तो हम फेज जो है स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास फ्यूज भी है और इंडिकेटर भी है, ठीक है। सबसे पहले फ्यूज, उसके बाद इंडिकेटर, तो फेज का हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो सप्लाई के लिए हम तीनों वायर को यूज करेंगे, यानी फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, तो येल्लो वाली वायर फेज, न्यूट्रल हमारी ग्रीन, और व्हाइट वाली हमारी अर्थिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करते हैं यहाँ पर। तो हमने एक पॉइंट पर फेज लगा दिया है, दूसरे पॉइंट से हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूज से हमने फेज लगे, यहाँ पर इंडिकेटर में लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम फेज लेकर के स्विच के चारों पॉइंट पर लगा देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से चारों स्विच अपने निचले वाले पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। अब हमारा फेज कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन। तो हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, वो सबसे पहले आएगा आपके इंडिकेटर में, और यहीं से हम सॉकेट के लिए न्यूट्रल लेंगे और इस सॉकेट के लिए भी न्यूट्रल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दो स्विच बचेंगे, एक स्विच हम इस सॉकेट के लिए, एक स्विच इस सॉकेट के लिए, और जो दो स्विच बचेंगे वो हम बल्ब के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बल्ब है, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो न्यूट्रल है, यानी कि मान लीजिए आपको जो बल्ब है दीवार पे कहीं भी लगे हैं, जो न्यूट्रल है वो एक साथ हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों बल्ब का भी हम न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉकेट में और इस सॉकेट में, ठीक है। एक पॉइंट हमने लगा दिया और इस न्यूट्रल से हम दोनों कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वायर छोटी है। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर सॉकेट में भी लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमने टेप लगा दिया है और न्यूट्रल का जो हमारा कनेक्शन है कंप्लीट हो गया। इस सॉकेट में कनेक्शन हो गया, इस सॉकेट में हो गया, इंडिकेटर में न्यूट्रल कनेक्शन हो गया, और अब दोनों बल्ब में भी, ठीक है। अब करते हैं अर्थिंग कनेक्शन। तो अर्थिंग यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। अर्थिंग का भी कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं इस स्विच से इस सॉकेट में, इस स्विच से इस सॉकेट में कनेक्शन, और इन दोनों स्विच का, इन दोनों बल्ब के थ्रू, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा हम यहाँ से इसमें कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर दिया है। अब एक पॉइंट पर हम इस बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, को यहाँ पर इस स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे पहले हमने फेज का कनेक्शन लिया है यहाँ पर फ्यूज में, उसके बाद फ्यूज से दूसरा पॉइंट हमारे इंडिकेटर में गया है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर से हमने सारे स्विच में कनेक्शन फेज का कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूट्रल कनेक्शन किया है इंडिकेटर के पॉइंट पर, सॉकेट के एक पॉइंट पर, ये सॉकेट के एक पॉइंट पर, और इन दोनों बल्ब के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने अर्थिंग कनेक्शन किया यहाँ पर दोनों पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद हमने इस स्विच से इस सॉकेट में, इस स्विच से इस सॉकेट में, इन दोनों स्विच से हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, इसको अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधा करते हैं, और हमने इसको टेम्परेरी रखा हुआ है, ठीक है। इसे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास है एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें हम इस प्लग को लगा देते हैं, ठीक है। हमने स्विच को ऑफ रखा है, आप देख सकते हैं स्विच ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल रहा है। हम बल्ब को ऑफ करके दिखाते हैं, ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। और अब हम अपने सॉकेट और बल्ब को चेक कर ले, ठीक है। तो बल्ब के लिए हम, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा बल्ब जल रहा है,
ये भी बल्ब जल रहा है, यानी कि दोनों बल्ब कनेक्शन सही है। अब दोनों सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉकेट के लिए इस बल्ब का उपयोग करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया और स्विच को ऑन किया, आप देख सकते हैं बल्ब हमारा जल रहा है, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पर भी, और ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इस स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इन दोनों बल्ब को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगा है, हम फ्यूज़ को हटा देंगे तो हमारे बोर्ड की जो सप्लाई है वो हट जाएगी। हमने फ्यूज़ को निकाल दिया है, हमारे बोर्ड की सप्लाई कट गई है, ठीक है। और फ्यूज़ को लगा देते हैं, ये हमने फ्यूज़ को लगा दिया, ठीक है। सप्लाई आ गई है और दोनों बल्ब जल रहे हैं और हमारा सॉकेट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।